नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। विधायक किशोर जोरगेवार ने एमएसईडीसीएल के अधीक्षक अभियंता सुनील देशपांडे को बिजली बिलों को लेकर पारिवारिक विवाद से बचने के लिए अलग अलग परिवारों को अलग अलग बिजली कनेक्शन देने के लिए अलग अलग मीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गैस कनेक्शन के आधार पर परिवारों को अलग से मीटर देने पर भी सहमति जताई। विधायक जोरगेवार ने जिला योजना समिति डीपीडीसी के तहत प्रस्तावित कार्यों की स्थिति जानने और एमएसईडीसीएल के संबंध में विभिन्न शिकायतों को हल करने के लिए सरकारी विश्राम गृह में एमएसईडीसीएल अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एमएसईडीसीएल के अधीक्षक अभियंता सुनील देशपांडे, अधीक्षक अभियंता संध्या चिमवाड़े, कार्यकारी अभियंता फराज खानेवाला, वसंत हेडो, अरुण मानकर, साहिल दाखरे, युवा चंदा ब्रिगेड महिला आयोजक वंदना हटगांवकर, आयोजक कलाकार मल्लारप, युवा नेता अमोल शेंडे, सयाली येरने, राशिद हुसैन, विलास वानकर, मुन्ना जोगी, नकुल वासमवार आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान विधायक किशोर जोरगेवार ने सुझाव दिया कि सड़क के बीच में लगे बिजली के खंभों को हटाना और बकाया ग्राहकों को पूर्व सूचना देकर बिल भुगतान के लिए 3 किस्त देने के कदम उठाए जाएं। सेंट माइकल स्कूल के सामने स्ट्रीट लाइट मीटर और फ्यूज पीपीडब्ल्यूडी कटर को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पुराने बिजली के खंभे हटा दिए जाने चाहिए और नए बिजली के खंभे लगाए जाने चाहिए। नगर में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने चाहिए। डीपीडीसी के तहत बिजली के पोल स्वीकृत किए जाने चाहिए और अरावत रामाबाई नगर जल नगर वार्ड में स्थापित किए जाने चाहिए। पागल बाबा नगर, हिंगलाज, भवानी वार्ड, महाकाली कॉलरी में प्रकाश पाल और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। नागरिकों के घरों में बिजली की लाइनें हटाई जाएं। गोल बाजार और तिलक मैदान में बिजली की लाइनें भूमिगत की जाएं। अलग अलग बिजली मीटर उपलब्ध कराए जाएं। इस बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार के कार्यालय में प्राप्त गई शिकायतों का समाधान किया गया। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल के तहत बारंज खुली कोयला खदान में 4.5 लाख टन कोयले का अनुचित तरीके से निपटान किया गया है। कोयला कहां गया, अवैध रूप से ले जाया गया या नहीं, सभी सवाल अनुत्तरित हैं। इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राहत और पुनर्वास मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री विजय वजेठीवार ने कहा कि इसलिए प्रशासन को तत्काल 4.5 लाख टन बरंज कोयले की चोरी की जांच करनी चाहिए। बैठक में जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर मनोहर गहड़, डिप्टी कलेक्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन जेपी लोंधे, विशाल दूधे आदि मौजूद थे। बरंज खुली कोयला खदान से 4.5 लाख टन कोयला 2018 से पहले गायब हो गया है। अभिभावक मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि अगर कोयला जला दिया गया होता तो उसकी राख जनता को दिखाई देनी चाहिए थी। अभिभावक मंत्री ने प्रशासन को मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पॉर्न वीडियो केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्राज शामिल हैं। ये बात पुलिस को 5 महीने पहले ही पता लग चुकी थी, लेकिन पुलिस ने पहले राज के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने का काम किया था। सोमवार को गिरफ्तार हुए राज को कोर्ट ने 23 जुलाई तक हिरासत में भेजा है। पुलिस उनसे इस केस में पैसों के लेन देन के बारे में ज्यादा पूछताछ कर सकती है। पुलिस के पास पहले से ही राज और दूसरे लोगों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं, मगर पुलिस राज से ही इस बारे में बयान लेना चाहती है। 21 साल की एक मॉडल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाई गई थी, बाद में उसके अश्लील फोटो और वीडियो शूट किए गए। इस जानकारी के बाद पुलिस ने राज के मडालैंड के बंगले पर छापा मारा था, जहां से स्पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। मालवानी पुलिस स्टेशन के ऑन ड्यूटी इंचार्ज सीनियर सब इंस्पेक्टर संदीप गायड़े ने बताया कि फरवरी में क्राइम ब्रांच को एक क्लू मिला था, इसके आधार पर ही बंगले पर रेड हुई। तब गिरफ्तार लोगों में से कुछ ने दावा किया था कि वो राज कुंद्रा के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त इस बयान के अलावा कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने राज कुंद्रा जैसे सेलिब्रिटी बिजनेसमैन को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार करना ठीक नहीं समझा। उस वक्त जो भी कार्यवाही हुई उसमें राज का नाम शामिल नहीं किया गया था।
उसी समय एंटीलिया केस का भंडाफोड़ हुआ जिसमें सचिन वझे का नाम बाहर आया। इस केस के चलते आगे मुंबई के पुलिस कमिश्नर से लेकर कई सारे अफसरों के तबादले हुए। इस सबसे पॉर्न केस की छानबीन पर असर पड़ा था। राजकुंद्रा जैसे और दूसरी कंपनियों के लोगों पर भी इस कारोबार में शामिल होने का शक है। पॉर्न वीडियो बनाकर एक से ज्यादा मोबाइल ऐप कंपनियों को बेचे जाते थे। इसमें पैसों का भारी लेन देन हुआ है। अब मनी ट्रेल ढूंढने की कोशिश होगी। इसके चलते कई और नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही उसने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। 3 मैचों की सीरीज में वो 2-0 से आगे हो गई है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अविष्का फर्नांडो और असलंका के अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। टीम इंडिया ने 276 रनों के लक्ष्य को 49.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका से मिले 276 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तमाम उम्मीदें धूमिल हो चुकी थीं, लेकिन नंबर 8 गेंदबाज दीपक चाहर के नाबाद 69 रन ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार के साथ नाबाद रहते हुए भारत को 3 विकेट से जीत दिलाते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयानों के चलते पैदा हुए मतभेद के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। चव्हाण ने एक सर्वे में उद्धव ठाकरे को मिली सबसे ज्यादा रेटिंग के सवाल पर कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यदि महाराष्ट्र से कोई नेता पीएम बनता है तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। चव्हाण ने माना कि उद्धव ठाकरे लोकप्रिय हैं और उनके प्रशासन के मॉडल की भी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से आगामी चुनाव में अकेले लड़ने और एनसीपी शिवसेना पर टिप्पणियां करने पर भी पृथ्वीराज चव्हाण ने टिप्पणी की और कहा कि नाना पटोले के बयानों का मकसद गठबंधन सरकार को लेकर कुछ कहना नहीं था बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना था। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।